हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। एंड आज इस वीडियो के अंदर आपसे बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी सेलेरियो के बारे में। एंड ये जो इसका वेरिएंट आप देख रहे हैं, ये इसका एक सीएनजी वेरिएंट है। काफ़ी लोगों को इंतज़ार था कि सीएनजी वेरिएंट कब आने वाला है सेलेरियो का, तो भाई अब आपका इंतज़ार ख़त्म हो चुका है और मार्केट के अंदर सेलेरियो सीएनजी में लॉन्च हो चुकी है। इसी महीने के अंदर टाटा ने अपनी टिगोर और टियागो दोनों गाड़ियों को सीएनजी में लॉन्च किया है, तो भाई इस महीने के अंदर आपको तीन गाड़ी सीएनजी के अंदर देखने को मिल जाती है। बट भाई मारुति सेलेरियो का तो अलग ही मार्केट है, इसको कोई भी बीट नहीं करने वाला। सो आज इस वीडियो के अंदर आपको मारुति सेलेरियो के बारे में बताने वाले हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो भाई वीडियो को लाइक करना तो ना भूलें बिल्कुल भी। एंड इसका जो एक्सोरूम प्राइस है, अगर मैं बात करूँ गुड़गांव की, तो भाई 6.58 लाख रुपीज़ के अंदर आपको ये गाड़ी मिल जाने वाली है। सेलेरियो के VXI वेरिएंट के अंदर ही आपको CNG मिलने वाली है। और अगर मैं बात करूँ इसके फ्रंट फेज की, तो भाई बेलेनो और ओल्टो का इंस्पायर्ड रूप है ये सेलेरियो। तो भाई इसका फ्रंट फेस काफ़ी सिंपल है, काफ़ी एलिगेंट और लुक के साथ ये कार नज़र आती है। थोड़ा राउंडिश साइज के अंदर आपको शेप मिलने वाला है पूरी कार के अंदर। इसका रियर एंड इसका फ्रंट फेस है जो, वो आपको थोड़ा सा राउंड मिलने वाला है। बात कहते हैं इसके हेडलैम्प की, तो भाई इसके अंदर हमें नॉर्मल हैलोजन हेडलैम्प मिलेगी, और भाई इसके अंदर ही आपको टर्न इंडिकेटर भी देखने को मिल जाएगा। हेडलैम्प के ऊपर ट्राई एरो का डिज़ाइन बना हुआ है। इससे इसकी जो हेडलैम्प यूनिट है वो काफ़ी प्यारी लगती है। फ्रंट में ब्लैक फिनिश के अंदर आपको ग्रिल देखने को मिल जाती है, एंड इसके ऊपर क्रोम का यूज़ किया गया है। वहीं बीच में आपको मारुति सुजुकी की बैजिंग भी मिल जाने वाली है, और भाई नीचे आपको नंबर प्लेट की प्लेसमेंट मिल जाती है, और रेडिएटर ग्रिल भी आपको ब्लैक फिनिश के अंदर देखने को मिल जाएगी। सेलेरियो के इस वेरिएंट के अंदर आपको फोग लैंप नहीं मिलने वाले, तो आप आफ्टर मार्केट फोग लैंप इसके अंदर लगवा सकते हैं। चलते हैं सेलेरियो के साइड प्रोफाइल में, चेक करते हैं रियर में हमें क्या कुछ देखने को मिलता है। तो भाई साइड से सेलेरियो का लुक कुछ ऐसा निकल के आता है। इसके अंदर हमें व्हील बेस जो है वो 2435 mm का मिल जाता है। साइड से भी ये कार काफ़ी बढ़िया लगती है, काफ़ी अच्छा लुक इसके अंदर देखने को मिल जाता है। इसके फेंडर पे आपको टर्न इंडिकेटर देखने को मिल जाता है, और भाई आपको बॉडी कलर्ड ORVM और डोर हैंडल भी मिल जाते हैं। A&B पिलर्स आपको बॉडी कलर्ड ही मिलने वाले हैं। बात करें इसके टायर साइज की, तो भाई इसके अंदर हमें 14 इंच के टायर देखने को मिल जाते हैं विद स्टील रिमेन कवर के साथ, तो भाई ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है। और भाई बात करें इसके ग्राउंड क्लियरेंस की, तो भाई इसके अंदर हमें 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस भी देखने को मिल जाएगा, जो कि इनफ है। सेलेरियो का रियर प्रोफाइल थोड़ा सा राउंडिश शेप के अंदर आपको नज़र आने वाला है। बात करें इसके टेल लैम्प की, तो इसके अंदर राउंड शेप के अंदर ही टेल लैम्प देखने को मिल जाएगा, और जो ये टेल लैम्प है ये हैलोजन ही मिलेगा। इसके अंदर आपको टर्न इंडिकेटर और ब्रेक लाइट भी मिल जाने वाली है। CNG की बैजिंग है, और भाई इसके ऊपर आपको हाई माउंट स्टॉप लैम्प भी देखने को मिल जाएगा। इस वेरिएंट में आपको डिफोगर और भाई रियर वाइपर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये CS का VXI वेरिएंट है। वहीं यहाँ पे आपको सुजुकी की बैजिंग मिल जाएगी, सेलेरियो की बैजिंग है, और भाई इस वेरिएंट में आपको 2 पार्किंग सेंसर भी देखने को मिल जाएंगे। वहीं नीचे रिफ्लेक्टर, नंबर प्लेट की प्लेसमेंट, और भाई ये बूट को ओपन करने के लिए ग्रैब हैंडल भी दिया गया है। इस हैंडल से हम अपने बूट स्पेस को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। अब भाई इस सेलेरियो के बूट स्पेस के अंदर आपको CNG का सिलेंडर देखने को मिल जाने वाला है। एंड ये जो सिलेंडर है, इसका जो वेट है वो 60 kg है, और भाई इसके अंदर 7 से लेकर 8 kg तक CNG इसमें आ जाती है। और भाई इस वाले वेरिएंट के अंदर, सेलेरियो की इस वेरिएंट के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा बूट स्पेस भी देखने को मिल जाएगा। मार्केट में टाटा टियागो लॉन्च हुई है, तो भाई उतना स्पेस टियागो के अंदर नहीं मिलेगा जो आपको सेलेरियो के अंदर देखने को मिल जाने वाला है, जो कि एक बहुत ही बड़ी USP रहेगा इस कार को टॉप सेलिंग होने का, क्योंकि भाई CNG के सिलेंडर होने के बाद भी इसमें अच्छा खासा बूट स्पेस देखने को मिल जाएगा। पीछे यहाँ पे आपको स्पेयर व्हील भी देखने को मिल जाएगा, जो कि CNG के जस्ट पीछे यहाँ पे लगा हुआ है। इसके ऊपर आपको एक पार्सल ट्रे भी मिलने वाली है, एंड भाई इसकी क्वालिटी भी आपको ठीक ठाक ही मिल जाने वाली है। पार्सल ट्रे को एक्सेस करने के लिए इसका जो हुक है, इसमें से आपको ये पार्सल ट्रे बाहर निकालनी पड़ेगी। जैसे ही इसका हुक है, मैं इसके हुक को निकाल देता हूँ। जैसे ही हम इसके हुक को बाहर निकालेंगे, आप अपने बूट स्पेस को और भी ज़्यादा बढ़ा पाएंगे, और भाई पीछे से इसमें काफ़ी ज़्यादा सामान जो है वो आ सकता है। तो भाई ऐसी कुछ इसकी आपको बिल्ड क्वालिटी मिलेगी। पार्सल ट्रे की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी सही है, और भाई अब आप देख पा रहे हैं इसके अंदर आपको काफ़ी बूट स्पेस भी देखने को मिल जाने वाला है।
गाड़ी में अंदर जाने से पहले बात कर लेते हैं इसकी की के बारे में। तो भाई इसके अंदर आपको नॉर्मल की देखने को मिलेगी, कोई भी रिमोट की यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। आपको दो सिंपल की मिलेगी, आप आफ्टर मार्केट इसके अंदर रिमोट लगवा सकते हैं। चलते हैं कार के अंदर की तरफ, चेक करते हैं कि ड्राइवर साइड में हमें क्या कुछ देखने को मिलता है। तो भाई सेलेरियो सीएनजी का आपको ऐसा कुछ इंटीरियर मिलने वाला है। इसके अंदर आपको ब्लैक फिनिश के अंदर इंटीरियर देखने को मिलेगा। तो भाई इसका जो इंटीरियर है ये मुझे पर्सनली काफ़ी बढ़िया लगा। आपको फ्रेश लुक के साथ इसका इंटीरियर देखने को मिल जाएगा और भाई काफ़ी यूनिक इंटीरियर है, काफ़ी न्यू डिज़ाइन आपको इस कार के अंदर देखने को मिल जाने वाला है। बात करते हैं इसके गेट पे, तो भाई इसके गेट पे आपको कुछ भी कंट्रोल करने के स्विच नहीं मिलेंगे। सारे जो स्विच है वो आपको डैशबोर्ड पर मिलने वाले हैं। इसके अंदर आपको एक बोतल होल्डर मिल जाने वाली है, वही यहाँ पे आपको स्पीकर की प्लेसमेंट है और भाई यहाँ पे आपको एक ग्रैब हैंडल मिलने वाला। बात करते हैं इसकी सीट की, तो भाई इसके अंदर आपको फिक्स हेडरेस्ट मिलने वाला है, आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको नहीं मिलेंगे। और जो ये सीट है इनकी जो क्वालिटी वो भी काफ़ी ठीक ठाक ही है। और भाई ये जो सीट है आप इनको रिक्लाइन एंगल पर एडजस्ट कर सकते हैं, हाइट एडजस्टेबल का यहाँ पर कोई भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। बात कर लेते हैं इसकी स्टेयरिंग की, तो भाई इसके अंदर राउंड शेप के अंदर आपको स्टेयरिंग देखने को मिल जाने वाली है। और भाई स्टेयरिंग की जो क्वालिटी ये भी मुझे काफ़ी सही लग रही है। बीच में आपको सुजुकी की बेंजिंग है और भाई इसके अंदर आपको एक एयरबैग भी मिल जाने वाला है। इस वेरिएंट के अंदर आपको टू एयरबैग मिलेंगे, एक एयरबैग आपको स्टेयरिंग में मिलने वाला है, सेकेंड जो एयरबैग है वो आपको इसके डैशबोर्ड में मिल जाने वाला है, वहाँ पर लिखा हुआ भी SRS एयरबैग के नाम से। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसके अंदर एनालॉगी मिलने वाला है। मैक्सिमम स्पीड 180 की यहाँ पे दी गई है। इसके अंदर आपको RPM मीटर देखने को नहीं मिलेगा। और भाई बीच में आपको छोटी सी MID भी मिलने वाली है जिसमें आप अपना फ्यूल गेज चेक कर सकते हैं CNG का और पेट्रोल का। इसमें आपको राइट साइड जो गेज दिख रहा है उससे आप अपना CNG का पता कर सकते हैं, वहीं लेफ्ट साइड जो गेज आपको दिख रहा है इससे आप अपना पेट्रोल का जो मीटर है वो देख सकते हैं। बाकी इसके अंदर आपको सारी वार्निंग लाइट मिल जाने वाली है और आप अपनी ट्रिप को जो है वो एडजस्ट भी कर सकते हैं इस बटन से। स्टेयरिंग के राइट साइड में आपको कुछ बटन्स मिल जाने वाले हैं, जैसे ये जो बटन आप देख रहे हैं इस बटन से आप अपने गाड़ी को पेट्रोल से CNG या फिर CNG से पेट्रोल में ला सकते हैं। और भाई इसके साइड में जो बटन आप देख रहे हैं इससे आप अपने ORVM को इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं। बात करते हैं सेलेरियो के सेंट्रल कंसोल की, तो भाई इस वेरिएंट में आपको स्टीरियो देखने को नहीं मिलेगा, आप आफ्टर मार्केट स्टीरियो इसके अंदर लगवा पाएंगे। और भाई जो ये बटन आप बीच में देख रहे हैं डैशबोर्ड पे, ये बटन पहले गेट पे होते थे, तो भाई इन बटन को रिप्लेस करके इन्होंने डैशबोर्ड पे ले आए हैं, जो कि मुझे पर्सनली भाई बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर बात करूँ इन बटन्स के बारे में, तो भाई इस बटन से आप अपने फ्रंट की विंडो को अप डाउन कर सकते हैं। ये जो बटन है ये चाइल्ड लॉक का बटन है और पार्किंग सेंसर का बीच में बटन मिल जाने वाला है। और भाई ये जो बटन है इससे आप अपनी कार को लॉक एंड अनलॉक कर सकते हैं। भाई मुझे तो पर्सनली बटन पसंद नहीं आए हैं। इसके अंदर आपको मैनुअल AC देखने को मिल जाने वाला है और भाई नीचे आपको 12 वोल्ट का पावर सॉकेट भी देखने को मिल जाएगा, 2 कप होल्डर है। और भाई ये कार आपको 5 मैनुअल गियर के अंदर देखने को मिल जाती है। ये भाई इस कार का हैंड ब्रेक है। और भाई बात करें इस कार के डैशबोर्ड की, तो भाई इसके डैशबोर्ड की क्वालिटी वो काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी इंप्रेसिव लुक आपको मिलने वाला है। बात करें इसके ग्लोव बॉक्स की, तो भाई डिसेंट साइज़ का आपको ग्लोव बॉक्स भी मिल जाता है। और भाई सनसेट आपको ड्राइवर साइड नॉर्मली मिलने वाला है, वहीं आपको को पैसेंजर साइड आपको वैनिटी मिरर भी मिल जाता है। नॉर्मल आपको IRVM भी देखने को मिल जाएगा और भाई आपको येलो लाइट मिल जाने वाली है इसके केबिन की। कार के अंदर सिल्वर फिनिश का यूज़ काफ़ी अच्छे से किया गया है, इससे इसका जो लुक है वो काफ़ी अच्छा निकल के आता है। चलते हैं बाहर, तो भाई बात करते हैं इसके डोर ओपनिंग की, तो भाई इसका जो डोर है वो काफ़ी वाइड ओपन होता है, इसलिए आपको गाड़ी के अंदर एंट्री एग्जिट करने के लिए काफ़ी आसानी रहेगी। मैं इसके रियर साइड में आ चुका हूँ और अगर मैं बात करूँ स्पेस की, तो भाई यहाँ पे आपको अच्छा खासा स्पेस देखने को मिल जाने वाला है। भाई अगर मैं बात करूँ इसके लेग रूम की, तो भाई यहाँ पे आपको अच्छा खासा लेग रूम देखने को मिल जाएगा। और अगर मैं बात करूँ हेड रूम की, तो भाई हेड रूम इसमें अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। सीट का कंफर्ट काफ़ी बढ़िया है, सीट की जो कुशनिंग है वो भी यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी मिलने वाली है, बट यहाँ पे आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलेगा। और भाई पीछे की विंडो को कंट्रोल करने के लिए जो बटन है वो आपको पीछे ही मिलने वाले हैं, जो कि भाई काफ़ी अजीब है। इस कार के अंदर सब कुछ उल्टा पुल्टा है। इसके जो बटन जो गेट पे होने थे वो आपको बीच में मिलेंगे, पीछे वाले बटन जो कि गेट पे होने थे अगेन वो आपको नीचे मिलेंगे। तो भाई बटन के मामले में इसमें कुछ उल्टा पुल्टा है। तो भाई पीछे से इसका जो डैशबोर्ड है वो कुछ ऐसा नज़र आता है,
काफ़ी अच्छा लुक मिलने वाला है इस कार के अंदर आपको। बात करते हैं इसके फ्यूल टैंक की, तो भाई इसके अंदर आपको 35 लीटर का पेट्रोल फ्यूल टैंक मिल जाने वाला है। इसके अंदर आपको पेट्रोल फ्यूल टैंक की लिड के साथ साथ यहाँ पे सीएनजी की लिड भी मिल जाने वाली है। आप सीएनजी और पेट्रोल एक ही साइड से ले पाएंगे, जो कि भाई काफ़ी बढ़िया है। आपको बोनेट खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इससे आप अपना पेट्रोल भरवा लेंगे और इससे आप अपनी सीएनजी भरवा सकते हैं। आपकी कार स्टार्ट है और आपने अगर ये ढक्कन खोल दिया तो भाई आपकी कार ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। ये फीचर आपको आजकल सभी सीएनजी की गाड़ियों के अंदर देखने को मिल जाने वाला है। बोनेट को ओपन करने के लिए इसके नीचे आपको एक लीवर दिया गया है, जैसे ही आप इस लीवर को पुल करते हैं वैसे ही आपका जो बोनेट है वो ओपन हो जाएगा। बात करते हैं सेलेरियो के इंजन के बारे में, तो भाई इसके अंदर आपको ड्यूल वीवीटी 1000 सीसी का इंजन मिलने वाला है। और भाई ये जो इंजन है ये 5300 आरपीएम पे 55 बीएचपी की पावर जनरेट करता है, वहीं 82 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। तो भाई यहाँ पे आपको अच्छी खासी पावर भी मिलने वाली है और भाई कंपनी क्लेम करती है 35 की एवरेज सीएनजी के अंदर। तो भाई अगर आप इस कार को बाय कर रहे हैं तो भाई यहाँ पे आपको अच्छी खासी एवरेज मिलने वाली है और भाई आप बाइक के बराबर जो है वो इस कार को चला सकते हैं। भाई 35 की एवरेज सोचिए, अगर आप इस कार को बाय करते हैं तो भाई एक सीएनजी के सिलेंडर के अंदर आप 350 किलोमीटर तक निकाल सकते हैं। तो भाई इससे बढ़िया और क्या ही लोगे आप। आपको इतनी चीप गाड़ी मिल जाने वाली है, वहीं यहाँ पे जो एवरेज है ना वो भाई मैं क्या बोलूँ अब इसके अंदर। अब देखना ये होगा कि ये प्रैक्टिकल कितनी है, राइट। मारुति ने तो ये क्लेम कर दिया बट रोड पे एक्चुअल में इसकी माइलेज क्या निकल के आती है। बाकी भाई आपको ये न्यू सेलेरियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो भाई अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे किसी ऐसी ही अच्छी सी वीडियो के अंदर, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।